हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक न्यू वीडियो लेक्चर, और इस लेक्चर का नाम है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या कह सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स। और आज इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स, इसका टाइप्स पढ़ेंगे और कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। देन नाउ लेट अस स्टार्ट फ्रिक्शन फोर्स। क्या है फ्रिक्शन फोर्स, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक रफ सरफेस लिया जिसका नाम M1 ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्या है, रफ सरफेस है। ओके, अनदर ऑब्जेक्ट हमने लिया M2, और इस M2 ऑब्जेक्ट को इस सरफेस पे हमने इस तरह कैप किया, रख दिया। देन हमने अप्लाई किया, एक फोर्स अप्लाई किया। कौन सा फोर्स अप्लाई किया, अप्लाइड फोर्स। इसको हम क्या कहेंगे, इस फोर्स को अप्लाइड फोर्स कहेंगे, अप्लाइड फोर्स। ओके, देन ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा, इसका मोशन क्या होगा, फोर्स के डायरेक्शन की तरफ होगा। अब जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, इसे एक और मोशन जिसे हम कहेंगे रिलेटिव मोशन अपोज करेगा, इस ब्लॉक को M2 ब्लॉक को अपोज करेगा। कौन सा, रिलेटिव मोशन। इस रिलेटिव मोशन को हम क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये जो आपका रिलेटिव मोशन है जिसे हम कह रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो ऑलवेज अप्लाई कब होता है, जब दो बॉडी कॉन्टैक्ट में होगा, दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में होगा। और इस ये ऑलवेज ये वाला जो M1 सरफेस है इसके पैरेलल होगा, या कह सकते हैं टेंजेंशियली होगा। क्या होगा, पैरेलल होगा, और कह सकते हैं हम टेंजेंशियली होगा। देन इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे, F से डिनोट किया जाता है। एक बार फिर से इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। दो ऑब्जेक्ट हमने लिया, एक रफ सरफेस, ये वाला ऑब्जेक्ट हमने रफ सरफेस लिया। देन अप्लाई किया, क्या अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया, तो इसका मोशन किधर होगा, इधर होगा, फोर्स के डायरेक्शन में। अब जैसे ही ये मूव करेगा, या टेंडेंसी क्षमता मूव करने का कोशिश करेगा, टेंडेंसी, देन एक रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा। रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा किसके पैरेलल, तो M1 के पैरेलल, इस ऑब्जेक्ट के, इस सरफेस के पैरेलल एक रिलेटिव मोशन क्रिएट होगा, और इसके मोशन को क्या करेगा, वो अपोज करेगा। इस अप्लाइड फोर्स के मोशन, जो आपने जो अप्लाइड फोर्स लगाया, इसका मोशन क्या, फोर्स के डायरेक्शन की तरफ, तो इस मोशन को क्या करेगा, ये अपोज करेगा। इसी अपोज रिलेटिव मोशन को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो हमने क्या लिखा है डिफिनेशन, ए बॉडी मूव्स और टेंस टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ए फोर्स एक्ट पैरेलल। देखो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है हम उसे अंडरलाइन कर रहे हैं, एक्ट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड अपोज द रिलेटिव मोशन। किसको अपोज कर रहा है, किसको अपोज कर रहा है, रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। देन ये जो अपोज किया, अपोजिंग फोर्स ही को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। क्लियर, एकदम आसान भाषा में, काफ़ी आसान भाषा में। देन हम इसे डिनोटेड किससे करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ से। यहाँ पे भी हमने डिनोट कर दिया। SI क्या होगा, SI यूनिट इसका क्या होगा, न्यूटन होगा, क्योंकि फोर्स है, कोई भी फोर्स है, टेंशन फोर्स, नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन फोर्स, जहाँ आप देखो फोर्स वहाँ पे क्या लगा दो, न्यूटन लगा दो, उसका SI यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। देन न्यूटन को किसी से डिनोट किया जाता है, कैपिटल N से डिनोट किया जाता है। क्लियर यहाँ तक। अब देखो फिर से इस डायग्राम के पास आते हैं। ये हमारा रफ सरफेस है, ऑब्जेक्ट 1, इस पर हमने अदर ऑब्जेक्ट रखा, जैसे अप्लाइड फोर्स लगाया, एफ फोर्स लगाया, देन फ्रिक्शन फोर्स जस्ट क्या हुआ, इसके बिहाइंड लगा, ये आगे गया, फ्रिक्शन फोर्स पीछे। देन हम इस फ्रिक्शन फोर्स को इस तरह भी लिख सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स F21 लिख सकते हैं, और इसको इस तरह पढ़ेंगे, फ्रिक्शन फोर्स ऑन टू, फ्रिक्शन फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन। फ्रिक्शन फोर्स किस पे लग रहा है, सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट पे। कौन सा ऑब्जेक्ट लगा रहा है, वन वाला ऑब्जेक्ट लगा रहा है। ओके, तो ऑलवेज जो है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट पीस पे फ्रिक्शन फोर्स लगा है, सेकेंड वाले ऑब्जेक्ट पे, तभी तो हमने लिखा है या बुक में लिखा रहता है F21 फ्रिक्शन फोर्स ऑन टू, फ्रिक्शन फोर्स ऑन टू यानी दिस ब्लॉक ड्यू टू वन, ये वाला रफ सरफेस है, इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है। ओके, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, जिधर आपका अप्लाइड फोर्स होगा उसके अपोजिट। क्लियर यहाँ तक। अब हम लोग टाइप्स पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। जनरली टू टाइप्स का फ्रिक्शन फोर्स होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, दूसरा क्या आपका काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। पहला क्या आपका स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, हम इसे अंडरलाइन कर रहे हैं, ये देखो। दूसरा क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। लिटिल नॉलेज दोनों के बारे में लेते हैं, फिर हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे डिटेल से। ओके, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, यहीं पर समझते हैं। ओके, ये रफ सरफेस है, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट हमने इस पे रखा। ओके, अब इस पे हम फोर्स लगाए,
फोर्स लगाया बट ये मूव नहीं हो रहा है, फोर्स लगाया मूव नहीं हो रहा है। या सिंपल से ये देखो, एक ऑब्जेक्ट है, इस पर ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने रखा। अब देखो इस पर हम फोर्स लगा रहे बट मूव नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पर लग रहा है, इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। और ऐसे फ्रिक्शन फोर्स को क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। कब अप्लाई, कब लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन? अगर इस ऑब्जेक्ट को हम अप्लाइड फोर्स लगाएं और ये मूव ना करे तो स्टैटिक फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स वहां पे आएगा। इसका हम लोग फुल डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? काइनेटिक फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्या है? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने लगाया अप्लाइड फोर्स। जैसे ही अप्लाइड फोर्स लगा ये मूव होने लगा। ध्यान देना, ये मूव हुआ, स्टैटिक में क्या था? मूव नहीं हुआ था, रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में है, बट काइनेटिक फ्रिक्शन में मूव होगा। जैसे बॉडी मूव होगा तो फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा। कौन सा फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा। ओके, तो डिफिनेशन हमने क्या लिखा? व्हेन वन ऑब्जेक्ट इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। जब बॉडी मूव कर जाए तब काइनेटिक फ्रिक्शन अपेयर होता है। इसका एक और नाम है डायनेमिक फ्रिक्शन, है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है? डायनेमिक फ्रिक्शन, एग्जाम में आता है। ओके, इसे डिनोट किससे कहते हैं? एफ के से डिनोट किया जाता है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं हम लोग, कुछ और भी देख ले। लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या लॉ है काइनेटिक फ्रिक्शन? एग्जाम में आपके आएगा। तो पहला क्या है? जो आपका फ्रिक्शन फोर्स है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स होना चाहिए। एन हमारा क्या है? नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे हम लिख देते छोटा सा नॉर्मल फोर्स। ओके, जो आपका एन क्या है? एन नॉर्मल फोर्स है। और काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स क्या कहता है? जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स के होना चाहिए। अब नॉर्मल फोर्स कैसे लगेगा? जैसे ही इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रखेंगे तो ये जो रफ सरफेस है इस पर एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, इस तरह लगाएगा नॉर्मल फोर्स। यहाँ पे हम बना रहे हैं, ये यहाँ पे बना रहे हैं, छोटा सा बना है। ये एक सरफेस है, इस सरफेस पे जैसे ही हम दूसरा ऑब्जेक्ट रखेंगे तो नॉर्मल फोर्स क्रिएट होगा, नॉर्मल फोर्स क्रिएट होगा। देन क्या कह रहा है? लॉ ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स होना चाहिए। अब देखो इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसको हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे। और कांस्टेंट हमारा क्या होगा? अभी हम बता रहे हैं, एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन। यही आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? काइनेटिक फ्रिक्शन का। अच्छे से आप इसे लोग इसे मेमोराइज कर ले। देन म्यू के को हमने क्या कहा? कांस्टेंट। और क्या कहते हैं म्यू के को? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये आपको क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो म्यू के का जो वैल्यू होगा, म्यू को का जो वैल्यू होगा एक्सपेरिमेंट के थ्रू होगा, हर सरफेस का अलग अलग होगा। इस बोर्ड और मेरे हाथ का जो म्यू के का वैल्यू होगा, अगर हम ये और मेरा हाथ अगर मूव करेगा तो यहाँ का म्यू के का वैल्यू अलग होगा, एक्सपेरिमेंट के थ्रू निकालेंगे। यहाँ पे अगर ये ब्लॉक मूव कर रहा है तो इस दोनों के बीच का सरफेस का म्यू के यानी कि कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होगा? डिफरेंट होगा। वो कैसे फाइंड करते हैं? एक्सपेरिमेंटली। देन हमने लिख दिया म्यू के का वैल्यू, हम लोग एक्सपेरिमेंटली फाइंड करते हैं। ओके, अब देखो, अब नेक्स्ट क्या रह गया? एफ के, जो आपका काइनेटिक फ्रिक्शन है, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक क्या? एक पॉइंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपको जो काइनेटिक फ्रिक्शन है वो क्या है? कांस्टेंट फोर्स है। क्या हमने लिखा? कांस्टेंट फोर्स है। क्यों है कांस्टेंट फोर्स? क्यों है कांस्टेंट फोर्स? थोड़ा समझ ले इसे, क्योंकि एग्जाम में आता है। अब देखो एफ के का वैल्यू क्या होता है? म्यू के इन टू एन होता है। क्लियर? अब ये देखो एक लंबा सा ये रोड है, ठीक है, सरफेस है, रफ सरफेस है, इस पर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी सपोज कर लो मैक्सिमम है, मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा और मिनिमम हो गया, थोड़ा सा और कम हो गया, यहाँ पे भी मिनिमम, ये इससे भी कम है, इसको चलो डैश मान लेते हैं। तो इतनी लंबी सी रोड है, इस पर यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू, फिर थोड़ा सा मिनिमम और उससे भी मिनिमम है। ओके, अब देखते हैं, मज़ा देखते हैं इसका, कुछ कंसेप्ट देखते हैं जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इस पर नॉर्मल फोर्स एन लगा
और दूसरा फोर्स, मान लो ये ब्लॉक एम है, ब्लॉक एम है, ब्लॉक एम है, ध्यान से देखना, इस पे एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा एम जी, यहाँ पे भी लगेगा एम जी, यहाँ पे भी लगेगा एम जी, और नॉर्मल फोर्स ये रहा नॉर्मल फोर्स। ध्यान दो तो ये नॉर्मल फोर्स हर जगह क्या इक्विवेलेंट है, इक्वल है, ऑब्वियस है, एक ही वही ऑब्जेक्ट है, चेंज तो नहीं हुआ ऑब्जेक्ट। क्या ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज हो रहा है? नेवर, कभी नहीं चेंज हो रहा, ये भी तो सेम है। तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एफ के, यहाँ पे देखना छोटा सा लिख रहे हैं, जगह की कमी हो गई, यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये देखो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम कह सकते हैं एफ के इक्वल टू क्या, तो म्यू के इंटू एन, तो एन यहाँ पे क्या होगा, एन यहाँ पे क्या होगा, एन ये फोर्स इस फोर्स को संभाल के रखे हुआ, तो एन का वैल्यू क्या होगा, एम जी होगा। देन एफ के इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू के इंटू एम जी। अब ध्यान देना म्यू के तो हर जगह इक्विवेलेंट है, कांस्टेंट है, तो ये तो चेंज नहीं होने वाला। मास क्या चेंज होता है? नहीं, नेवर, मास भी तो कांस्टेंट है। अब क्या बचा, जी, जी का वैल्यू क्या ले लेंगे हम, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो तो यहाँ से लेके यहाँ तक बॉडी मूव किया, क्या कहीं पे फ्रिक्शन फोर्स चेंज हुआ? कहीं नहीं चेंज हुआ, इसलिए हम कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट फोर्स है। तो आप यहाँ से देख सकते हो म्यू के कांस्टेंट आ गया, एम कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो हमारा फ्रिक्शन फोर्स क्या आएगा, कांस्टेंट होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट इसे छाप लें, अच्छे से नोट कर लें, और इस पर हम बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन पे दो ही बहुत ही ब्यूटीफुल या कह सकते हैं प्यारा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, जो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपका दिल बिल्कुल गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फाइंड करना ऑफ 8 kg ब्लॉक एंड फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन फाइंड करना है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू दिया हुआ 0.4, यानी कि ये जो रफ सरफेस और ब्लॉक है इस दोनों का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.4। और ध्यान से एक बात सुनना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का SI यूनिट नहीं होता, क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का SI यूनिट नहीं होता है। ओके, तो 8 kg का ब्लॉक इस रफ सरफेस पर लगा रखा हुआ है, और इस पर अप्लाई किया गया 56 न्यूटन फोर्स। ये 56 न्यूटन कौन सा फोर्स है, अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स है। क्या है, अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स। अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जो हम अप्लाई किए जिधर इस ऑब्जेक्ट का मोशन जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, अप्लाइड फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। ओके, अब बॉडी इधर मूव हो रहा है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन में, जिधर फोर्स का डायरेक्शन है। अब इसका हम FBD बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम। इस पर कौन कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, पहला नॉर्मल फोर्स N, ये हमारा क्या नॉर्मल फोर्स। दूसरा क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg कहते हैं, क्या कहते हैं, mg। यहाँ पे m का वैल्यू क्या है, 8 है, g का वैल्यू अभी हम नहीं लेंगे, आगे चल के लेंगे 8g। ओके, अब देखो ये बॉडी मूव हो रहा है, रफ सरफेस है, तो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होगा, कौन सा, स्टैटिक नहीं होगा, क्योंकि मूव हो रहा है, मूव हो रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे काइनेटिक फोर्स लगेगा जस्ट इस सरफेस के पैरेलल, या कह सकते हैं टेंजेंशियली FK। ओके, हमें क्या क्या फाइंड करना है, फ्रिक्शन फोर्स फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कर लेते हैं हम। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला FK इक्वल टू हम लिखते हैं म्यू के इंटू एन। एन क्या है, आपका नॉर्मल फोर्स है। थोड़ा ध्यान से देखना, वर्टिकल डायरेक्शन में या वाई एक्सिस में क्या ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव कर रहा है नहीं, कांस्टेंट में है, रुका हुआ है। तो हम कह सकते हैं दिस नॉर्मल फोर्स इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ये फोर्स इस फोर्स को संभाल के रखे हुआ है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, एक्शन रिएक्शन। जैसे ही ऑब्जेक्ट पे रखे, ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे रखे तो एक्शन, देन एक्शन की जगह पे क्या मिला, रिएक्शन। देन एन इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, 8g लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि एन इक्वल टू 8g, क्लियर। देन फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होगा, म्यू के का वैल्यू 0.4, नॉर्मल फोर्स का वैल्यू 8 इंटू 10, फाइनली क्या होगा, 4 हो गया और 32 न्यूटन हो गया फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स आपने फाइंड कर लिया। ओके, एक क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन, एक तो हो गया फाइंड ये वाला, अब एक्सेलरेशन फाइंड करना है। देखो अब एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में लग रहा है ना, वाई डायरेक्शन में ही नहीं लग रहा है, वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी एक्सेलरेशन लग रहा है, इसका तो काम हो गया। अब एक्स डायरेक्शन में दिस वन एक्सेलरेशन,
तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ। क्या होता है न्यूटन सेकेंड लॉ? एफ नेट या टोटल फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अप्लाई कर दें एफ नेट इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ लिख लेना। अब देखो लिख देते हैं हम यहाँ पे, लिख देते हैं न्यूटन, इसको कैपिटल कर दे, नाम है न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, अब खुश, सब खुश हो गए। नाउ अब क्या करने जा रहे हैं हम, नेट फोर्सेस पे देखो तो एक्स डायरेक्शन में एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है एक्स डायरेक्शन में। क्या कोई और फोर्स भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, कोई भी फोर्स नहीं है एक्स डायरेक्शन में। एक तो अप्लाइड फोर्स है, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स है। अब ध्यान देना दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है। अरे जिधर बॉडी मूव हो रहा है वो वाला मैक्सिमम होगा। ये देखो बॉडी इधर मूव हो रहा है, बॉडी इधर मूव हो रहा है, तो मैक्सिमम ये फोर्स है, मिनिमम ये फोर्स है। ऐसे भी आप देख सकते हो, अप्लाइड फोर्स 56 न्यूटन और फ्रिक्शन फोर्स 32 न्यूटन, कौन ज़्यादा होगा? ये ज़्यादा होगा, ये मैक्सिमम होगा। देन अब क्या लिखेंगे हम, 56 पहले लिख ले, एफ माइनस एफ के इजकल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। देन एफ का वैल्यू क्या है 56 और इसका वैल्यू क्या है 52 इजकल टू मास का वैल्यू क्या है 8 इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो एक मिनट, यहाँ पे क्या हुआ 32 हो रहा है, देख लेना सॉल्यूशन कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 0.4 लिया तो क्या हुआ 8 4 32 4, ठीक है 32 न्यूटन। अब 32 न्यूटन में हम 56 को है ना हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 और इधर 2, इधर क्या होगा 8 इंटू ए। देन एक्सेलरेशन इजकल टू क्या होगा 24/8 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन आपने फाइंड कर लिया। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, देख लेना कहीं पे गलती तो नहीं है, एक बार चेक कर ले। म्यू के वाली 0.4 बिल्कुल हमने लिख दिया, सही है। मास कितना लिया 8 kg वो भी लिख दिया, जी का वैल्यू क्या है 10 है लिख दिया। ओके तो क्या होगा 4 4 8 32 30 हमारा एफ के, फिर यहाँ पे पुट के 56 न्यूटन है, 56 में से 32 जाएगा, कितना होगा यहाँ पे रख दे तो 4 और इससे क्या बचा 2, 24 होगा, बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़े, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है एक्सेलरेशन फाइंड करना और फिर से क्या फाइंड करना है फ्रिक्शन फोर्स, और म्यू क्यू का वैल्यू अगेन 0.4 गिवेन है। बट यहाँ पे क्या है आपका जो अप्लाइड फोर्स है वो क्या है, ना तो एक्स में है ना तो वाई में। अब क्या करें, ना तो एक्स में है ना तो वाई में, अब क्या करेंगे हम इसे ब्रेक करेंगे। ओके वेक्टर आप लोग पढ़े होंगे तो इसका क्या होगा, इधर कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 20√2 cos 45 डिग्री, याद आ गया होगा। और वाई एक्सिस में इसे ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 20√2 sin 45 डिग्री। अब देखो यहाँ पे और कौन कौन सा फोर्स लगने वाला है, एक तो नॉर्मल फोर्स लगा दिया नॉर्मल फोर्स, दूसरा mg फोर्स या कह सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो हम लिखते हैं यहाँ पे 5 × g। ठीक, अब देखो फिर से हम क्या करेंगे फ्रिक्शन फोर्स फाइंड करेंगे, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा वो तो डालो। ये देखो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगा fk, ठीक fk फ्रिक्शन फोर्स, रफ सरफेस पे मेरा 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, देन हमने उस पर 45 डिग्री के एंगल पे फोर्स लगा है 20√2 न्यूटन। तो आपको फाइंड क्या करना है एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन फोर्स, यही क्वेश्चन है। तो अब देखो आगे बनाए, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है fk = μk × n। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड नॉर्मल फोर्स, तो अब देखो नॉर्मल फोर्स फाइंड करने के लिए हम y एक्सिस में जितना फोर्स गिवेन है उसे हम लिखेंगे। अब देखो y एक्सिस में एक तो नॉर्मल फोर्स है, एक सेम डायरेक्शन में ये वाला फोर्स है जो इस फोर्स को हमने, इस फोर्स का जो कंपोनेंट है, और इसके अपोजिट में क्या है 5g फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि ये दोनों फोर्स इस फोर्स को संभाल के रखे हुआ। तो ये फोर्स इक्वल टू दिस वन फोर्स कर सकते हैं अकॉर्डिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ। देन क्या होगा, यहाँ पे लिख रहे हैं नॉर्मल फोर्स प्लस 20√2 sin 45 डिग्री प्लस ये 45 है इक्वल टू 5 × g। ठीक 5 × g यहाँ तक रहने दे, इसे सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा n प्लस 20√2 sin 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, यहाँ से दोनों गया कट, बचा 5g। देन
देन नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा 5g और ये माइनस 20 हो जाएगा, क्या होगा माइनस 20 हो जाएगा। आगे बढ़े नॉर्मल फोर्स को फाइंड करने के लिए n इज इक्वल टू 5 × 10 50 − 20 कितना होगा बताओ 30 न्यूटन। 30 न्यूटन नॉर्मल फोर्स। अब इसका वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे क्योंकि मेरे पास दिया हुआ है एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन। एफ के का वैल्यू हमें फाइंड करना है, म्यू के का वैल्यू कितना है 0.4, पुट कर देते हैं 0.4 लो। अब नॉर्मल फोर्स का वैल्यू 30 कितना होगा 12 न्यूटन हो जाएगा 12 न्यूटन। अब देखो 12 न्यूटन क्या हमारे पास है फ्रिक्शन फोर्स निकल गया। हमें क्या फाइंड करना है अभी एक्सेलरेशन बाकी है तो अप्लाई क्या करेंगे न्यूटन्स सेकेंड लॉ किस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन का तो काम हो गया। अब एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है दिस वन फोर्स एंड दिस वन। अब बॉडी इधर मूव करेगा, बॉडी इधर मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, देखो लिख दिए ए एक्सेलरेशन से बॉडी इधर मूव कर रहा है क्योंकि अप्लाइड फोर्स मेरे पास क्या है 20√2 cos 45°। देन दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स तो हम लिखते हैं अप्लाइड फोर्स क्या है मेरे पास 20 पहले लिख दे और अच्छे से एफ नेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। क्लियर यहाँ तक। हमें क्या फाइंड करना है एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एफ नेट क्या होगा ध्यान देना ये फोर्स है एक्स डायरेक्शन में और क्या एफ के है। हम डायरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे लिख लो एक्स डायरेक्शन में माइनस एफ के इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन और ये एफ एक्स क्या है दिस वन फोर्स एक्स डायरेक्शन में। इधर वाला क्या है वाई फोर्स एफ वाई हम लिख सकते हैं। अब देखो क्या होगा एफ एक्स का वैल्यू 20√2 × cos 45 का वैल्यू 1√2 माइनस एफ के का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया है बहुत ही अच्छी बात है। इक्वल टू मास कितना है आपके पास मास 5 है मास लिख दें यहाँ पे 5। हमें फाइंड क्या करना है एक्सेलरेशन। अब देखो ये गया कट गया 12 में से 20 गया कितना होगा 8 = 5 × a देन एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होगा 8/5 m/s² इसको काटना तो काट दो मने तो कितना होगा 5 × 5 बचा क्या ठीक यानी कि एक्सेलरेशन इक्वल टू 1.6 m/s². ओके तो कैसा लगा आज का दोनों क्वेश्चन कमेंट करके आप लोग जरूर बताएगा। ओके थैंक यू।